नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की तरफ से दूसरे चरण के प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। लोजपा ने 53 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। इनमें से 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर लोजपा और बीजेपी की फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। पहले ही चिराग पासवान ने यह स्पष्ट किया था कि वे हम और जेडीयू के अगेंस्ट में अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं, लेकिन 5 जगह ऐसे पड़ रहे हैं जहां पर उन्हें बीजेपी के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी उतारने पड़े हैं। उनमें से लालगंज और गोविंदगंज लोजपा की सिटिंग सीट है जहां पर लोजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं राघोपुर और भागलपुर के साथ साथ रोसरा विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और लोजपा ने भी प्रत्याशियों को उतारा है। सबसे पहले हम आपको दूसरे चरण के लिए 53 जो उम्मीदवार चुने गए हैं लोजपा की तरफ से उनके नाम बताते हैं और वो किन किन विधानसभा क्षेत्रों से लड़ने जा रहे हैं। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से राजू तिवारी को लोजपा ने टिकट दिया है। केसरिया विधानसभा क्षेत्र से रामशरण प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। शिवहर से विजय कुमार पांडे को टिकट मिला है। रुन्नी सैदपुर से गुड्डी देवी को टिकट मिला है। बेलसंड से नसीर अहमद, मधुबनी से अरविंद कुमार पूर्वे को टिकट मिला है। फुलपरास से विनोद कुमार सिंह, कुशेश्वर स्थान से पूनम कुमारी को टिकट मिला है। गौराबोरम से राजीव कुमार ठाकुर को, बेनीपुर विधानसभा सीट से कमल राम विनोद झा को टिकट मिला है। अलीनगर से राजू कुमार झा, दरभंगा रूरल से प्रदीप कुमार ठाकुर को लोजपा ने टिकट दिया है। मीनापुर से अजय कुमार कुशवाहा, साहिबगंज से कृष्ण कुमार सिंह, कांटी से विजय प्रसाद सिंह, कुचायकोट से रवि पांडे, भोरे रिजर्व सीट है यहां से पुष्पा देवी को टिकट मिला है। हथुआ से राम दर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर को टिकट दिया गया है। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से विनोद तिवारी को टिकट मिला है। रघुनाथपुर से मनोज कुमार सिंह, बढ़रिया से वीर बहादुर सिंह को टिकट दिया गया है। महाराजगंज से कुंवर देव रंजन सिंह को टिकट मिला है। एकमा से कामेश्वर कुमार सिंह को टिकट मिला है। मांझी से सौरभ कुमार पांडे, बनियापुर से तारकेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। मढौरा से विनय कुमार को टिकट मिला है। परसा की बात करें तो राकेश कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। लालगंज से राजकुमार शाह, वैशाली से अजय कुमार कुशवाहा, राजा पाकर रिजर्व सीट है। मृत्युंजय पासवान मृणाल को टिकट मिला है। राघोपुर से राकेश रोशन को टिकट दिया गया है। महनार से रविंद्र कुमार सिंह, विभूतिपुर से चंद्रबलि ठाकुर, रोसरा से कृष्णराज को टिकट मिला है, प्रिंस राज के बड़े भाई हैं। हसनपुर से मनीष कुमार, चेरिया बरियारपुर से राखी देवी, तिघड़ा से ललन कुमार, मटिहानी से राजकुमार सिंह, साहिबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र विवेक को टिकट मिला है। अलौली रिजर्व सीट है यहां से रामचंद्र सदा को टिकट दिया गया है। खगड़िया से रेणु कुमारी, बेलदौर से मिथिलेश कुमार निषाद, परबत्ता से आदित्य कुमार शौर्य, गोपालपुर से सुरेश भगत, भागलपुर से राजेश वर्मा को टिकट दिया गया है। नाथनगर से अमरनाथ प्रसाद उर्फ अमर सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। अस्थावा से रमेश कुमार को राजगीर रिजर्व सीट है। मंजू देवी को टिकट दिया गया है। इस्लामपुर से नरेश प्रसाद सिंह, हिलसा से कुमार सुमन सिंह उर्फ रंजीत सिंह, नालंदा से रामकेश्वर प्रसाद, हरनौत से ममता देवी और फुलवारी जो रिजर्व सीट है वहां से सुरेश पासवान को टिकट मिला है। कुल मिलाकर दूसरे चरण के चुनाव के लिए 53 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो लोजपा की तरफ से जारी कर दी गई है। खास बात इसमें ये है कि किसी एक जाति विशेष को टिकट नहीं दिया गया है। सवर्ण और दलितों को जो मिला जुला कर चिराग पासवान ने टिकट दिया है, ये नई बात इस लिस्ट में दिखाई दे रही है। और महिलाओं को भी काफ़ी स्थान दिया गया है। पहले जो पहली लिस्ट थी उसमें 16 प्रत्याशी महिलाएं थी और इस वाले लिस्ट में करीब कुल मिलाकर अब 20 महिलाएं हो गई है। आपको बता दें कि अब तक पहले और दूसरे चरण की लिस्ट मिलाकर लोजपा ने अपने 95 प्रत्याशियों को उतार दिया है, यानी कि 95 प्रत्याशियों के नाम को जो है वो बिल्कुल उजागर कर दिया है। तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए लोजपा ने अपने
53 उम्मीदवारों के नामों को जो है वो सबके सामने रख दिया है, वो लिस्ट जारी हो चुकी है। जेडीयू से टक्कर तो लोजपा की होने वाली है और लोजपा एनडीए से इसीलिए अलग हुआ था ताकि वो जेडीयू को टक्कर दे सके, लेकिन 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसा कि हमने आपको बताया जहां पर बीजेपी के साथ लोजपा की फ्रेंडली फाइट होने वाली है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे किस प्रकार के आते हैं और कौन बिहार पर राज करता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।